4 अगस्त उदयपुर जिले मावली उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के मार्गदर्शन में फास्टर भारतीय पर्यावरण सोसाइटी इंटाली एवं इजी फ्लक्स पॉलीमर साक रोदा द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के विकल्प और कंपोस्टेबल प्लास्टिक की प्रायोगिक जांच कार्यक्रम एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सुमन बाला शर्मा ने की। मुख्य अतिथि उप तहसीलदार सनवाड़ संपत सिंह भाटी थे। विशिष्ट अतिथि पटवारी भूपेंद्र सिंह जाट एवं कृषि पर्यवेक्षक कैलाश अहीर एवं कार्यशाला संचालन सुनील कुमार विजय वर्गीय ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ललित नारायण आमेटा निदेशक फास्टर संस्थान ने सिंगल यूज प्लास्टिक से पृथ्वी एवं मानवीय प्रभाव पर व्याख्यान करते बताया कि प्लास्टिक से पृथ्वी को कैंसर के समान खतरनाक है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक जांच की प्रायोगिक परीक्षण किया गया। प्रकृति संरक्षक कंपोस्टेबल प्लास्टिक का निर्माण इजी फ्लक्स पॉलीमर साक रोदा उदयपुर में किया जा रहा है। यह प्लास्टिक मिट्टी के संपर्क आने पर 180 दिन में कंपोस्ट में परिवर्तन हो जाता है। प्रधानाचार्य ने घर घर तिरंगा हर घर पौधा अभियान जानकारी दी। मुख्य अतिथि उप तहसीलदार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के कमेटी गठित कर बहुत जल्द कानून कार्यवाही कर भारत सरकार के नियम की पालना की जाएगी। विद्यालय परिसर में पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर गोपीलाल जाट, एकता जाट, हेमंत गुर्जर, अनीता जोशी, नर्मदा शंकर, लक्षकार, गरिमा पुरोहित आदि की उपस्थिति में कार्य को सफल बनाया।